जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आए हैं सब बढ़िया होगा। तो आज हम लोग निकले पचमढ़ी और मेरे साथ हैं मेरे जिया जी और मेरी दीदी। तो हम लोग जा रहे हैं पचमढ़ी बाय रोड। हम लोगों ने लिए छिंदवाड़ा से अपनी कार और छिंदवाड़ा से हम लोग जा रहे हैं पचमढ़ी। तो अभी बीच में हम लोग अंकिता ढाबा में रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और अभी प्लानिंग ये है कि आज की प्लानिंग ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि पहले पचमढ़ी पहुँच जाते हैं 12 बजे तक, फिर वहाँ से हम लोग जिप्सी लेंगे और फिर इसके बाद पांडव केव्स और बी फॉल और थर्ड वन इज ऐसे छोटे मोटे स्पॉट्स हम लोग आज कवर करेंगे जो जिप्सी से किए जा सकते कवर। और जिप्सी के बाद फिर हम लोग कल सोच रहे हैं कि चौड़ा चढ़ें, जो महादेव का मंदिर है वहाँ चढ़ें। तो प्लानिंग यही है, अभी 2 दिन की प्लानिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, है ना? अब याद रखना, ठीक है? कैसे कैसे आपको सब याद रहता, इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं। अरे सुन रहे थे, दिमाग में याद, मम्मा को याद नहीं रहता, डैडी को भी नहीं रहता, शिशु की मेमोरी शार्प है इतनी। अपन नानू नानी को बताएंगे, ठीक है? सब याद रखेंगे। अरे अमरकंटक एक नंबर दिखता है, मुझे तो बहुत शानदार। पता उसमें ना सो तो हाँ। मैं एक बताऊं, मैं तुमको बता दूं, मैंने एक पानी देखा था अमरकंटक में। हाँ, वही तो बता रही थी अभी। और एक मंदिर, एक मंदिर पानी में मंदिर था। देखो इसको पता है कि अमरकंटक कौन सी जगह थी, पानी में मंदिर था। सही बोल, तो बीड़ी बनाती है, पूछ रही हूं ये। जी बीड़ी बनती है, बीड़ी बनती है। और वो भी तो बनता है क्या? तेंदू पत्ता भी, पेट्रोल। अब यहां मटकुली से लेफ्ट, एक रोड पे परिया याद है, एक पचमढ़ी याद है, होशंगाबाद राइट साइड में जाए तो अपन लोग जो वहाँ चले जाए होशंगाबाद भोपाल, लेफ्ट लें तो पचमढ़ी। गायब लेकिन पचमढ़ी में सही कह रही, बढ़िया बनाए रजत, घर तो ऐसे ही रहना चाहिए। सही कह रही। तो हम लोग ऑलमोस्ट पचमढ़ी पहुंच चुके हैं और ये हम लोग होटल आ चुके हैं अपनी। अरे यही कल तो मैं याद थी यार, ये नाम याद नहीं आ रहा तुम्हें। इस तो शानदार व्यू है यहाँ से। शानदार व्यू है, लग रहा है ऐसा का घर अपना क्यों नहीं बना। वाओ। टू अपन जो है किस्मत जो है वो बहुत अच्छी है अपनी, शानदार है, राजा किस्मत लेके पैदा हुए हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आ रहे थे जब इतनी गर्मी लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि यार इस टाइम पे कौन आता है पचमढ़ी, थोड़ा सा पानी आनी, बारिश वारिश हो जाए। और जैसे ही हम लोग आए हैं और बारिश स्टार्ट हो गई तो किस्मत वाकई बहुत अच्छी है।
अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, होटल में हमने सामान रख दिया है अपना। अब हम लोग जा रहे हैं जिप्सी लेने के लिए। तो जिप्सी लेंगे, उसके चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि 2600 रुपये करीब की जिप्सी हो रही है, उसमें गाइड इंक्लूड है। और आप जिप्सी लेके जो है वो पांडव केव्स और बी फॉल और धूपगढ़ ऐसे कुछ स्पॉट्स आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं धूपगढ़, पांडव केव और बी फॉल। यहाँ से आप लोगों को जिप्सी भी मिलेगी, और धूपगढ़ जाने के लिए जिप्सी का मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिप्सी नहीं रहेगी तो आप धूपगढ़ नहीं देख पाओगे। बाकी की लोकेशन पर आप कार से चले जाओगे, लेकिन यहाँ पर धूपगढ़ आपको देखने को नहीं मिलेगा विदाउट जिप्सी, ये रूल है। तो हमने जिप्सी ले लिया है, जिप्सी हायर कर ली हम लोगों ने। और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बी फॉल। तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने सफ़र की बी फॉल से। तो बी फॉल के लिए जो है वो पर्ची कटती है, एक बंदे की पर्ची 30 रुपये की कटती है। तो बी फॉल से पहले उसने बोल दिया कि आप एक बार म्यूज़ियम घूम लो, क्योंकि म्यूज़ियम भी इसमें टिकट में शामिल होता है, इंक्लूड होता है, तो आप म्यूज़ियम घूम लो। तो मैं टिकट्स के बारे में बता रहा था आपको कि 30 रुपये की एक टिकट होती है, और जिप्सी के लिए आपको कितना खर्चा आता है, वो आता है 2000 रुपये के करीब आपको जिप्सी के लिए खर्च आता है। तो 2000 रुपये की आपकी जिप्सी हो जाएगी, और 500 रुपये का जो हो जाएगा गाइड हो जाएगा। तो गाइड अवेलेबल नहीं था तो हमने गाइड नहीं लिया, लेकिन अगर अवेलेबल होता तो आपको लेना ही पड़ता है, ये रूल्स हैं। तो 2000 रुपये हमारे वो हो गया, और हमने गाइड के 500-600 रुपये ऐसे कुछ लगते हैं वो बच गए हमारे। तो 2000 ये, और कुछ टिकट्स के प्राइजेस थे 30 रुपये करीब एक आदमी के, तो ऐसे 30-30-90 रुपये ये हो गया। तो मतलब 2090 रुपये हम लोगों को जिप्सी के लगे। तो इन तीनों स्पॉट को, मतलब बी फॉल, धूपगढ़, ये हम स्पॉट जो है वो 3000 के अंदर में ही घूम लेंगे। तो ये कुछ आप देख सकते हो, ये सब ये है अप्सरा विहार है। अप्सरा विहार नहीं गया हूँ मैं, 3-4 बार आया हूँ पचमढ़ी, लेकिन आज तक मैं अप्सरा विहार नहीं गया हूँ। तो ये सब जू घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े बी फॉल के लिए। तो हमारा पहला सफ़र जो होगा स्टार्ट हो रहा है वो बी फॉल से। तो बी फॉल बेसिकली एक वाटरफॉल है, तो हम लोग वाटरफॉल के तरफ जा रहे हैं। तो ये वाटरफॉल से पहले आप लोगों को ये जो पर्ची आपने कटवाई है, तो ये चेक पोस्ट जो आपको दिख रही है, इस चेक पोस्ट में आपको पर्ची दिखानी पड़ेगी, इसके बाद आप एंटर होगे बी फॉल में। तो यहाँ ट्रैक करना पड़ेगा आपको, करीब 1 किलोमीटर तो मान के चलो आप ट्रैक करना होगा आपको। और इसके बाद काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी होगी, तो एक बीच में वाटरफॉल पड़ेगा जो अभी आपने देखा। उसके बाद नीचे, सबसे नीचे जब आप उतरोगे तो तब आपको एक बी फॉल पड़ेगा, जो मतलब बड़ा वाला वाटरफॉल पड़ेगा। उस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए काफ़ी सीढ़ी नीचे उतरनी होगी, और सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं, मतलब जा सकते हो आप, बारिश में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाने में। ये देखिए आप बी फॉल का थोड़ा सा मैंने शॉट बनाया था, स्लोमो बनाया था, तो वो आधे रास्ते से दिखने लग गया था नीचे उतर के, तो हम मैंने एक शॉट बनाया, एक व्यू लेने की कोशिश किया हूँ। और ये हम लोग नीचे पहुँच गए, तब देखिए काफ़ी, ये आपको देखने में लग रहा होगा छोटा, लेकिन पानी जब आप अंदर जाओगे तो बहुत सटाके का पड़ता है नीचे जाके। तो ये जो मेरा मामा है, ये देखो आप, ये डोरा द एक्सप्लोरर बना घूम रहा है अपना त्रिशु बॉय। तो नीचे कम ही भीड़ थी, क्योंकि मैं पिछली बार आया था तब तो पैर रखने को जगह नहीं थी, इस बार कम ही थी। तो हम ये काफ़ी तेज़ी से, ये रेनबो भी आपको दिख रहा होगा, और तेज़ी से पानी भी बह रहा है। तो मैं और मेरे जीजी ने काफ़ी मस्ती करी, मतलब हम लोगों की पूरी फैमिली थी। तो हम लोग तो ऊपर चढ़ गए, और यहाँ पे सब लोगों को बुला रहे थे यहाँ पे, पर लेकिन सामान देखने के लिए भी कोई होना चाहिए था, इसलिए दीदी नहीं आई। तो फिर बाद में जो है वो मैं आ गया, और फिर इसके बाद दीदी को पहुँचा दिया इन्जॉय करने के, पूरी फैमिली, दीदी, जीजी और मामा, तो ये लोग चले गए इन्जॉय करने के लिए, और मैं अपना सामान देख रहा था और इन लोगों के वीडियोज़ बना रहा था।
तो बी फॉल हम लोग ऊपर आ चुके हैं बी फॉल से। अब जो है हम लोग धूपगढ़ जाने की लिए जा रहे हैं, तो बीच में रीछगढ़ भी पड़ेगा, तो वो भी देखते हैं। वैसे रीछगढ़ में ऐसा कुछ गुफाएं वुफाएँ हैं तो ज़्यादा मन तो नहीं है मेरा, क्योंकि थक चुके हैं, तो डायरेक्ट धूपगढ़ जाएंगे हम लोग। दोस्तों पचमढ़ी आ रहे हों और खाने के लिए अच्छी जगह देखना है तो बेटा बावर्ची मैं सजेस्ट करूँगा। दो बार मैं आया हूँ, और जो है अभी तो मैं दोपहर में आया हूँ, लेकिन मैं एक बार शाम को आया था तो एम्बियंस अच्छा था, म्यूज़िक व्यूज़िक भी अच्छा था, लाइव म्यूज़िक होते रहता है यहाँ पर, एम्बियंस अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, फूड भी अच्छा है। खाना खा के हम लोग निकल पड़े धूपगढ़ की ओर। धूपगढ़ की बात ही अलग थी, धूपगढ़ में बड़े बड़े पहाड़ थे, घुमावदार रास्ते थे, और यहाँ जिप्सी से आने का ही मज़ा है। अपने पर्सनल व्हीकल तो वैसे भी आप नहीं ले पाओगे लाना यहाँ पे, जो अपने पर्सनल व्हीकल है वो यहाँ आ भी नहीं सकते, और यहाँ सरकार ने इजाज़त भी नहीं दी है, तो ये जिप्सी वाले ही हैं, इन्हीं को आपको लेके आना पड़ेगा। अभी धूपगढ़ के लिए आ गए हम लोग, धूपगढ़ तो पहुंच गए हैं हम लोग, लेकिन आज धूप ही नहीं है धूपगढ़ में, क्योंकि बादल हो रखे हैं। इस साइड कहीं सनसेट होता है, क्योंकि मैं पिछले साल भी आया था तो यहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट देखा था हम लोगों ने, तो वो वीडियोस मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा पिछले साल के सनसेट के। तो पहले दिन हम लोगों ने बी फॉल देखा और धूपगढ़ देखा, और इसके बाद हम लोग वापस होटल में आ गए। तो पहले दिन की हमारी प्लानिंग सही रही, और दूसरे दिन की प्लानिंग ये थी कि हमें हम जाना है चौड़ागढ़, मतलब जो कि भगवान शिव का जो मंदिर है वहाँ चढ़ना है। तो दूसरे दिन काफ़ी कठिन होने वाला था, तो हम लोग जल्दी आके सो गए और दूसरे दिन के लिए प्रिपेयर हो गए। तो हम आ चुके हैं महादेव चौड़ागढ़ चढ़ने के लिए, और यहाँ पर आप गुफा देखोगे, सीता नहानी गुफा। तो यहाँ पे जो पिलर्स रख के जाते हैं लोग, तो ये जो पिलर्स रखते हैं, आपको ये पिलर्स दिख रहे होंगे, पत्थरों के ऊपर पत्थर, ये ऐसी मान्यता मानी जाती है कि आप अगर इन पिलर्स को रखोगे यहाँ पे तो आपको घर बनेगा। अगर आपको घर बनाना है, आपकी कोई मन्नत है घर बनाने की, आपका कोई ड्रीम हाउस है, तो आप यहाँ आके ऐसे पत्थर रख सकते हैं और महादेव आपके घर बनाने में कृपा करेंगे। सीता नहाने के बाद थोड़ी दूर और आओगे तो टपका पानी करके एक जगह है, गुफा है, वहाँ पर कुछ इस तरीके से पानी टपकता है, और जैसे ये बच्चा पानी भर रहा है ऐसे ये पानी यहाँ आता है, ये जो टपक रहा है पानी पहाड़ से, और ये छोटा सा कुआँ बना रखा है, देखा बेटा कुआँ, देखा बहुत गहरा कुआँ है, ये ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन काफ़ी पानी है, मिनरल वाटर इकट्ठा हो जाता है, ऐसे फिल्टर करो, और बहुत ठंडा पानी है ये। भीड़ में सुनसान में साक्षात शंभुनाथ, ओम की गुंजार में ओंकार में शिवनाथ, दृश्य या अदृश्य हर पुकार में हर हर, शून्य शिखर सूक्ष्म वृहद हर हर भोलेनाथ, देवों के देव रे महादेव, विश्वेश्वरा सर्वोपरि।